जाऊंगा यार। भाई तुम एक दफा ट्राई तो करके देखो ना, तुम कुछ कुछ भी नहीं होगा यार। हेलो, अरे चलो ना यार आमिर अंदर चलना। अरे चलो ना यार आमिर अंदर चलना। अरे चलो ना यार, बिल लाओ। आइए चले। आपने यहां से किसी को जाते हुए देखा? बस करो यार, मेरी जान, काफला गुजर गया, लौट आओ। अंदर चलो, और हैं, आओ आओ। Excuse me, प्लीज ये जरा पैक करवा दे, ये भी ओके। वाह वाह, बहुत अच्छा टेस्ट है आपका, लाजवाब चीज है ये, तेरहवीं सदी का है ये। आप खरीद लें। वाह बिल्कुल।
एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। ये कितने का है? 800 का है। 800 का? जी हाँ। 800 बाद में ले लो। ठीक है जी। किस रंग की गाड़ी है आपकी? मैं अपनी गाड़ी पहचानती हूँ, आप फिक्र ना करें। देखिए मेरा ख्याल है कि आपका ड्राइवर इधर उधर निकल गया होगा, जब तक आइसक्रीम खा लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। जी शुक्रिया, मुझे फुर्सत नहीं है। देखिए, अरे कमाल कर रही है, आपको फुर्सत कैसे नहीं है? देखिए आप थक गई होंगी और वैसे भी मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, इसमें तकल्लुफ करने की क्या बात है, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जी आप मुझे कब से जानते हैं? ले परसों मुलाकात हुई थी ना स्केटिंग पर। देखिए मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती और आप मुझसे इस तरह बेतकल्लुफी से बात न करें और अब जाएं यहाँ से। अरे वाह 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 वाह, परसों से पागलों की तरह आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, आज इतनी मुश्किल से मिली है तो मैं चला जाऊँ? नामुमकिन। क्या तकलीफ थी आपको मुझे ढूंढने की? इसलिए कि अगर तकलीफ का नाम बताऊंगा ना तो आप नाराज हो जाएंगे। मुझे आमिर कहते हैं, आमिर शहजाद। आपको किस नाम से पुकारो? बराए मेहरबानी आप मुझसे बात न करें। अरे वाह 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 वाह, कमाल कर रही हैं आप, घंटे भर से आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, 10,000 उल्टी सीधी चीजें खरीद ली हैं और अब आप कह रहे हैं कि बात न करें, तो क्या करूं? सुनिए आप इस तरह नहीं जा सकती अपना नाम बताए बगैर। हेलो हेलो, सुनिए सुनिए, देखिए मैं इन चीजों का क्या करूं? फेंक दीजिए। मिस्टर कुरैशी, मुझे अफसोस है, बट देयर इज नथिंग आई कैन डू। बट सर, आई हैव सर्व्ड दिस कंपनी फॉर 15 इयर्स, 15 साल। कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लूज नहीं कर सकती। लेकिन ये तो सिर्फ 5 मिलियन का है। ये सिर्फ 5 मिलियन की बात नहीं, ये कंपनी की प्रेस्टीज की बात है। What do you say, Mr. Jawad? Yes, sir. The company's name is your name. We cannot have anything wrong with that. But, sir. I'm sorry, but we have nothing more to discuss. Thank you. I'm fed up of your nagging every morning. You are fed up?
I am fed up. I feel suffocated. I don't have to listen to this. Yes. Sure. Sure you don't have to listen. You don't need me. You have to keep me like a prisoner. You don't have to stay, you know. Yes. Go ahead. Threaten me. Tell me you will divorce me. Go ahead. Don't start that. The boy's looking. Let him look. What do you care? I told you to shut up. You have no right to say that to me. Because you don't love me. Yes, I don't love you. You leave me cold. Just because I tell the truth. I have to suffer. Your truth makes me suffer. It only relieves you. I don't understand why I have to suffer you. It is because you are insecure. You want to depend. And you tell me I use people? No. You use me. Cling to me while I feel suffocated. You feel suffocated? You are not human enough. You don't have any pores. You are selfish. Opportunist. Look, I don't love you. Remember that. You are staying here on your own accord. I'm not forcing you. And you can't force a feeling on me. I hate you. तैयार हो गया? कहाँ जा रहा है? कैसी लड़की? ये ऐसी की तैसी उस लड़की की और उसकी साथ पुछ तो होगी। खुद भी सो जाओ, मुझे भी सो। अरे सुन तो सही। अरे सो जा यार। आसिफ यार, उस लड़की की आंखें, क्या खूबसूरत आंखें हैं, क्या खूबसूरत बाल हैं उसके। ढाई मिनट के लिए सिर्फ तूने उसको देखा है, और क्या आंखें हैं उसकी, क्या बाल है। जा यार, जाके सो जाओ, मुझे भी सोने दे। सो जा। सुनो, अरे बात सुनो, मुझे उस लड़की का पता चाहिए। सुनो आसिफ, मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं सोने दूंगा जब तक उस लड़की का पता न लगा लो। मैं कोई खानदानी नजूमी हूँ क्या कि उसका जायचा निकाल के उसका सजा नस मालूम करूंगा? या मैं अलादीन के चराग का जिन हूँ कि उसके हाथ पे हथेली पे रख के उसे यहाँ ले आऊंगा? यार खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे यार। 2 बज रहे यार। यार उसको ढूंढो ना यार, किसी तरीके से। अब मैं कहां से ढूंढूं यार उसको? मैं छुट्टा खाने में काम करता हूँ क्या? तुम्हें तकलीफ क्या है? मुझे इश्क हो गया। कल भी तू ये कह रहा, परसों भी ये कह रहा, इश्क हो गया। ये मेरी जिंदगी का पहला इश्क। फिर उन फुलझड़ियों का क्या होगा जिनके पीछे फिरता रहता? वो इश्क थोड़ी है, इश्क तो ये है, पहली नजर का इश्क। आसिफ यार उसे ढूंढो यार, खुदा के लिए। यार मैं कोई जासूसी कुत्ता हूं जो सूंघता हुआ उसके पीछे जाऊंगा और उसको पकड़ के ले आऊंगा? डॉक्टर हूं यार मैं, सिर्फ इतना कर सकता हूं। क्या कर सकते हूं? हाँ मैं कोशिश करता हूं, शायद मिल जाए। आसिफ ऐसा करते हैं कि हम अपने सारे जानने वालों के लिए एक पार्टी करते हैं। पार्टी? हाँ। पैसे कहां से आएंगे? बैंक से उड़ी मिली है क्या? पैसे? ऐसा करते हैं कि जब वो सारे पार्टी पे आएंगे ना, सही है, उन सबको मना कर देंगे कि आज पार्टी कैंसिल होगी। सही है। और जिसके साथ वो आएगी ना, उसे हम रोक लेंगे। सही है। कैसा है? फर्स्ट क्लास। सो जाए। अरे तुम तैयार नहीं हो अब तक पार्टी के लिए?
भाई मैंने तो उसे बहुत कहा मगर उसका मूड ही नहीं बन रहा, मना कर रही है। भाईजान प्लीज, मैं ऐसी पार्टी में बोर हो जाती हूँ, यहाँ बैठी भी तो बोर हो जाओगे तुम। पापा मैं अकेले में बोर नहीं होती। अच्छा कब तक? चलो उठे, आप भी तैयार हो, मुझे भी तैयार होना है। कम ऑन, कम ऑन। नहीं हमको नहीं। हाँ भाई आमिर, मैं तो तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हाँ जिस तरह से प्लानिंग है तुम्हें पता है ना? बिल्कुल। कि लोग आएंगे और उनसे कहना डॉक्टर आसिफ इमरजेंसी के लिए शहर से बाहर गए। यार वो तो डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है यार। लोग मेरी वजह से आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तू मेरा दोस्त नहीं है। हाँ सुनो, वो लड़की मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्लीज, कोई लड़की मिस नहीं हो। वेरी गुड, टेक केयर। क्या बिलग्रामी साहब क्या कह रहे? यार मुसीबत ही यार, तुमने उनको क्यों बुला लिया? वो तो अंदर आ रहे थे। क्यों, क्या कह रहे थे? बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। छूट गई, देखो गाड़ी आई। साहब थे ये लंबे वाले सरपंच साहब थे, सिगरेट विगरेट पिलाया और भगा दिया। पता तो नहीं चला, सवाल ही पैदल ही होता है। तुम जाके देखो यार, प्लीज यार, वो लड़की मिस नहीं होनी चाहिए। नईम साहब का क्या हुआ? अरुण को सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया। नहीं नहीं, नीचे से टरका दिया। पता तो नहीं चला। अरे सवाल ही पैदा, तू लड़की को देख के आते। थर्टी फाइव सी, माफ कीजिए, डॉक्टर आसिफ का फ्लैट यही है? जी हाँ, आप दावत के सिलसिले में आया? जी। वो बात असली है कि डॉक्टर आसिफ को एक इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से उनको दरशाह से बाहर जाना पड़ा। मैं भी माफी मांगने के लिए आया था, दरअसल हम आज की दावत में शरीक नहीं हो पाएंगे। ओ मुझे उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। डॉक्टर no, थैंक यू। वैसे मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपको फोन कर दूं लेकिन वो डायरी नहीं मुझे मिली। चलिए, नो नॉट एट ऑल, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। सही साहब को रोकना, सही साहब रखा दिया ना? अरे यार वो लड़की सही साहब की गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने देखा है। वो लड़की? हाँ। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता यार, मैं देख रहा था। अब जाके रोकना, जा जा जा, बिन से रोकू। डॉक्टर आसिफ प्लीज। यस थैंक यू। डॉक्टर आसिफ, हेलो डॉक्टर आसिफ। अरे यार आसिफ, हाँ सुनो, उसका कुछ पता लगा? यार कभी तो काम करने दिया करो यार।
मैं वाकई आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपको बहुत चाहता हूँ। सच? हाँ। Thank you.
शरीफ आदमी हूँ, आप मेरा एतबार कीजिए। वो तुम्हें सब जानती है। नहीं, नहीं आप क्या जानती हैं? अगर सलमा ने आपको कुछ बताया तो बिल्कुल गलत है। उसे तो सिर्फ मेरी हेलो हाय है, और नजमा के साथ सिर्फ हाय है, हेलो भी नहीं है। और रुखसाना को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। वैसे आपकी आंखें जो है ना, ईमान से आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ना रुखसाना से मिलती हैं, ना नजमा से मिलती हैं, ना 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 सलमा से मिलती हैं। मुझे आपकी बातों का कोई एतबार नहीं, सब मर्दिक जैसे होते हैं। नहीं, लेकिन मैं बहुत मुख्तलिफ आदमी हूँ, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, आप मेरा एतबार कीजिए। देखिए, वो मैंने सिर्फ एक बार शादी की थी, दो दफा मंगनी की थी। नहीं नहीं नहीं, दो दफा मंगनी की थी, एक दफा शादी की थी, शादी हुई नहीं, होते होते रहेगी। आमिर क्या हुआ? चोर है? लड़की कहाँ है? लड़की गोली तो क्या कह रहा है? गोली लड़की वो क्या हुआ? वो डांस कर रही थी। भागा था यार। वो थी कहाँ? यार मुझे तो ये किसी चुड़ैल की औलाद लगती है। ना हमें दिन को चैन लेने देती है, ना रात को सोने देती है। अब अगर तूने उसका नाम लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही लड़की थी। आमिर भाई बात सुन, गले में ताबीज पहना करो, और कल सुबह मैं इस कमरे की झाड़ फूक कराऊंगा। हेलो। देखिए, मैंने आपको ढूंढ लिया ना जी। मेरा मतलब है कि अब आपसे मुलाकात होगी, उसके बाद दोस्ती होगी, फिर उसके बाद। आप हैं कौन? वैसे आप बार बार पूछना चाहते हैं तो मुझे आमिर शहजाद कहते हैं। हेलो, आपके मुझे बदमाश लपंगा समझ रही हैं जो आपके पीछे यूं भागूंगा? मैं फोन बंद कर रही हूँ।
कि आप तार तोड़ देंगी। हेलो, वो आप मिसेस सईद बोल रही है ना जी? सलाम अलैकुम जी, मैं डॉक्टर आसिफ बोल रहा हूँ। वैसे मैं मिस्टर सईद को भी अच्छी तरह जानता हूँ, वैसे आपसे भी एक दो बार मुलाकात हुई है जी। वो बात असल ये है कि आज आप कुछ शॉपिंग सेंटर में सामान भूल गई थी। मैं पैकेट भूल गई जी? जी हाँ, वो दुकानदार आपको जानता था, उन्होंने हमें दे दिया सामान। मगर मैं तो बाजार गई नहीं। ओ अच्छा अच्छा, वो नाशी भूल गई होगी। वो डॉक्टर साहब मेरी छोटी बहन है ना नाशी, वो आजकल आई हुई है, उसी की चीजें होंगी। जी हाँ, शायद उन्हीं का होगा, तो फिर हम शाम को ले आते। मगर इस वक्त तो हम लोग आब्दी साहब के घर जा रहे हैं। आब्दी साहब, वो बैंक वाले? जी जी। तो ठीक है, हम कल ले आएंगे। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पर मैं बता रही हूँ आपको, ये सामान मेरा नहीं है। चलिए छुट्टी हुई। अगर ये सामान आपका नहीं है तो दुकानदार क्यों जिद कर रहा था कि ये सामान आप ही का है? हाँ, वो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं ना, तो यहाँ के सारे दुकानदार हमें जानते हैं। नाशी, तुम्हें भूलने की बहुत आदत है, तुम ये चीजें जरूर भुलाई होगी। वो और बात है, लेकिन ये सामान ना मेरा नहीं है। चलिए अब बोलिए जी। मैं क्या बोल सकता हूँ, वापस कर देंगे। सोच लो नाशी, फिर ना कहना मैं फला फला चीज भूल गई हूँ। जी नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगी इन चीजों के बारे में। अरे भाई, इस कदर नाराज होने क्या बात है, जाने दो, कम से कम इनका शुक्रिया अदा कर दो। और अगर आप भी कुछ मेहमान नवाजी का हक अदा कर देती तो बेहतर था। सॉरी, मैं भूल ही गई थी, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। नहीं जी, इसकी क्या जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, चाय जरा तफसीली लाइएगा। ओहो, किसका फोन आ गया, एक्सक्यूज मी। अब मैं इन चीजों का क्या करूं? इन्हें फेंक दीजिए। जो हुक्म सरकार का। वैसे कभी कभार मुंह का जायका बदलने के लिए इंसान को मुस्कुरा देना चाहिए, वैसे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ये देखिए। आप आखिर मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गए? जी देखिए, ये सब तकदीर के खेल हैं, और वैसे मैं खुद भी हैरान हूँ कि मैं आपकी जान के पीछे क्यों पड़ गया। शायद खुदा को यही मंजूर था, यू एंड मी। दोस्ती
आज मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगा। अभी नहीं, शाम। ठीक है। आसिफ आ गए नवाब साहब मटर गश्ती करके। आज मैं भी खाना नहीं दूंगा, भूखा मार दूंगा। नौकर से कह रहा है भाई खाना बना दिया। अबे तुझसे कह रहा हूं आरामखोर, आज तेरी बारी नहीं थी कुकिंग की। अरे आसिफ इधर तो आओ, ये देखो ये मेरी दोस्त है नताशा। चल दूंगा जाए, जिसे मैं प्यार से नाशी भी कहता हूं। आप और इसके साथ वो बस ये मुझे आपसे मिलवाने ले आए। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर मिलिए। ये एक मिनट, ये बहुत घटिया किस्म का इंसान है, मैंने आपको बता नहीं था, बहुत घटिया किस्म की बातें करता है। आइए आइए बैठते हैं। छोड़ो बदतमीजी नहीं करो, आप आइए जाके चाय बनाओ। एक बात बताइए, ये आपने कड़वी गोली किस तरह निकल ली? बेटे ये मेरे इश्क का मौजा है। अबे जाके चाय बनाओ, तुम तो खुद एक चलते फिरते मौजे हो। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। एक बात बताइए, वैसे मिस नाशी अगर आप मेरी माने तो किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी आईसाइट टेस्ट करा ले। पता नहीं आपने इस आदमी में क्या देखा है, और खुदा जाने अभी आपको आगे क्या क्या देखना होगा। ओए मेरी बुराई मत करो, तारीफे करो तारीफे, बढ़ा चढ़ा कर। मैं नादान दोस्त नहीं हूँ, मुझे भी एक रोज खुदा को मुंह दिखाना है। मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की का खून मेरी गर्दन पर हो। चल 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 चल, इतना जलील है देखा आपने। ओहो बस करो, बकवास बंद करो, मेरे पहले और आखिरी इश्क को बरगलाओ मत। इस कहानी में सबसे अहम किरदार मेरा है, और मेरे सिवा तुम्हारा यहाँ है कौन? बाप बहन भाई दोस्त और दुश्मन सभी कुछ तो मैं हूँ। मिस नाशी आपसे जरूरी बात करनी है, करीब आ जाए। आ जाए आ जाए। ओहो तीन दिन तक मेरे पीछे भागता रहा, मैं उसे मिला ही नहीं, फिर आसिफ को उसने जाकर पकड़ा। आप मेरी बात का मतलब नहीं। अरे याद आया मुझे, आसिफ को फोन करना। अब जस्ट कम, इंसान हर चीज से डरता है, यहाँ तक कि अपनी जात से। आसमान से डरते हैं, हालांकि वो आसमान सलामती का जश्न है। फितरत से डरते हैं, जबकि वो इत्मीनान और राहत का गहवारा है। बस मैं अभी आ रहा हूँ। खुदा से डरते हैं इसलिए कि हम जब्र और कहर भी उसकी जात से मंसूब करते हैं। हालांकि वो अगर मुजस्सिम मोहब्बत और रहमत नहीं तो कुछ भी नहीं। आप तो शायर हैं। जी हाँ, हर इंसान शायर होता है, और शायर क्या होता है, वही ना जिसकी नजर एहसासात के पर्दों तक पहुंच जाती है। चलो भाई आसिफ इंतजार कर रहा है, हरी अप। चलो चलो भाई। आज मैं तुम्हें ऐसी खूबसूरत जगह दिखाऊंगा कि कभी तुमने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। अभी इसी वक्त? हाँ हाँ अभी इसी वक्त। नहीं तो कितनी दूर है यहाँ से? कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो शाम हो जाएगी। अरे हो जाने दो, फिर कभी देखेंगे। नहीं नहीं आज बहुत जरूरी है। फिर मैं ख्वाब में देख लूंगी। खबरदार, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे सिवा कभी भी किसी को ख्वाब में नहीं देखोगी, समझी? लिख के लगा लो अपने दरवाजे पर कि सबका दाखिला मना है, राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व। देखो अमित कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है। पुत्री हुजूर। तुमने कभी ऐसी खूबसूरत जगह देखी है? ये वो जगह है जहां से दुनिया शुरू हुई थी। इतनी बड़ी जमीन और आसमान के दरमियान सिर्फ दो इंसान जब भी मौजूद थे और आज भी खड़े हैं।
इस रेत में कितने धोखे हैं, अजीब अजीब मंजर दिखाई देते हैं, कहीं पानी बहता हुआ लगता है, जैसे सितारे चमक रहे हों, और कहीं ऐसे लगता है जैसे आग लग गई हो। ये सब दूर की बातें हैं, दूर से देखने पर हमेशा इंसान को धोखे का इम्कान होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान को करीब से देखो, बहुत करीब से। सताओ मत।
कहने सुनने में ही तो ये वक्त गुजरता जाता है। Hello. Hello. How are you doing? Not bad. Happy? Maybe. Will you dance with me? Of course, why not? Come here. Really? No. No. Yes. No. No, no. Come on. No. It's all right. Let's go. You shouldn't have done that. What did I do? You made me look like a fool. I do not know what you are talking about. I'm talking about him. He is your friend. He was. Yes. I knew him before I knew you. Or have you forgotten? Yes, I haven't. I know that he wanted to marry you. Yes. So, why didn't you? Because I was a fool. You are still a fool and an idiot. That's because I am staying with you. You can get out. You... No, I will not. This is my house also. No. No. It isn't. Don't worry. One day, I will leave you. No. You don't worry.
The only reason I let you stay is because you are the mother of my son. हेलो हेलो नाशी, बहुत जरूरी काम है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तुम मेरे साथ बस 10 मिनट को चलोगी? इस वक्त नहीं आ सकती। मैं आ रहा हूँ, तुम गेट के पास मिलना। आमिर, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ। तुम जरूर आओगी, ये हम दोनों की जिंदगी का अहम लम्हा है। प्रॉमिस, सिर्फ 10 मिनट को। ओके, बाय बाय। क्या बात है नाशी? आमिर को कोई काम है मुझसे। अच्छा, 10 मिनट का काम है कहते हैं। यहाँ आ रहे क्या? जी। फिर तुमने सोच लिया? किस बारे में? आमिर के बारे में। नहीं, अभी तक तो कुछ सोचा ही नहीं। सोच लो और फैसला कर डालो तो बेहतर रहेगा। कैसी जगह? इस तरफ समंदर, इस तरफ मेरा घर, ये कश्ती, इसमें रहना पसंद करोगी? इतनी छोटी सी जगह? हाँ, इसमें एक राज की बात है। क्या राज की बात है? मैं ये कश्ती दूर समंदर में ले जाऊंगा ताकि कोई तुम्हारे करीब ना आ सके। आपके इरादे नेक नहीं लगते। मैं तुम्हें 7 समंदर पार ले जाकर अपनी मलिका बनाऊंगा। कोई इरादा विरादा है? सोचेंगे। सुनो, आज से पहले मैं कितना अधूरा था, यह एहसास मुझे कभी नहीं हुआ।
ये वक्त, काश ये वक्त यहीं थम जाए। तुम मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती हो? ठीक से देख लो, बाज़ औक़ात इंसान वो नहीं होता जो नजर आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो तुम्हारे बगैर सब कुछ बिखर जाएगा। बहुत जल्दबाज हो, फैसले इतने जल्दी नहीं किए जाते। सारी जिंदगी में फैसला कुन लम्हा एक ही होता है। उस एक लम्हे के सामने जिंदगी बेकीमत है। प्रॉमिस मी नाशिए, प्रॉमिस मी यू वॉन्ट लीव मी। तुम मुझे अपने साथ जीने की सजा जरूर देना चाहते हो? आई लव यू, आई लव यू नाशिए, I love you. नाशी जी आओ भाई, आओ नाशी। ये नाशी है जी मेरी बहन, ये है मिसेस जफर, मिसेस मेहता, मिस्टर मेहता, मिस्टर जफर, और आप हैं मंसूर साहब। आदाब। आदाब। क्या बात है, लड़कियों की महफिल से घबरा गई हैं? नहीं भाईजान, मुझे इन हंगामों से वहशत होती है, तभी तो मैं बाहर आ गई। आपको भी वहशत होती है?
वैसे होनी भी चाहिए। अभी हम कुछ इसी तरह की बातों पे बहस कर रहे थे। मंसूर तो हर बात पर बहस कर सकते हैं। ये हर बात नहीं है, ये बहुत अहम बात है। मुझे बताइए कि हमारे पास कितना वक्त होता है, कितने लम्हे होते हैं जिंदगी बसर करने को जो हम इस तरह से जाया कर देते हैं। ये जिंदगी में सब कुछ ना हो तो फिर बाकी क्या रहेगा? हे, जिंदगी का फायदा क्या है? जिंदगी का हुस्न इस शोर शराबे और चीखपुकार में नहीं है। अच्छा, फिर किस में है? मेरे नजदीक जिंदगी के सुर बहुत नाजुक होते हैं, सितार के तारों की तरह। इन बहुत आहिस्ता से धीमे धीमे नाजुक सी उंगलियों के साथ छूना पड़ता है, तभी तो इतनी खूबसूरत धुनें जन्म लेती हैं। हाँ, आप लोग तो जिंदगी को वैशी कबाइल के नकारों की तरह बजाना चाहते हैं, जिनसे कान फाड़ देने वाला शोर पैदा होता है। जिंदगी की अफरा तफरी की यही वजह है हम बेसुर बेतार हो गए हैं। आपसे बहरहाल कोई नहीं जीत सकता। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि आपको दूसरों के ख्याल की ज्यादा परवाह नहीं होती होगी। बल्कि अगर ये कहूँ कि मुझे दूसरों की राय सुनने का बहुत इश्तियाक है तो? ताकि आप अपने खूबसूरत और नबी तुल अल्फाज से उसकी नफी कर सकें, यही बात है ना? मैं अगर ये कहूँ कि ये बात नहीं है तो मुझे अफसोस होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप झूठ नहीं बोलते होंगे। ये ख्याल कैसे हुआ आपको? झूठ लोग इसलिए बोलते हैं कि लोगों को गुमराह कर सके, और आप ये काम अपने सच से भी ले सकते हैं बहुत अच्छी तरह। अब बोलिए। शुक्रिया। आई एम सॉरी, मैं गुफ्तगू में एकदम शामिल हो गई। इतनी जल्दी मुझे अपनी राय कायम करने का कोई हक नहीं था। वैसे राय कायम करने के लिए सदियां तो दरकार नहीं होती, पल भर भी कम होता है। दोबारा शुक्रिया। मैंने आपकी तारीफ तो नहीं की, अपनी जल्दबाजी की माजरत की है। तो आपके ख्याल में जिंदगी को नकारे की तरह बजाना चाहिए? जी नहीं, जिंदगी को सितार की तरह बहुत मध्यम सुरों में बजाना चाहिए, वरना बड़ी भद्दी और बेहंगम आवाजें निकलेंगी। मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बताने आया था कि मैं जरा जल्दी में हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, थैंक यू। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। यार मैं लव स्टोरी देख रहा हूँ, ये टूटू बंद करो। इसे गिटार कहते हैं। जो कुछ भी कहते हैं इसको, अगर दो मिनट में ये टूटू बंद ना हुई ना तो तुम दोनों का बुरा असर करूंगा। यार हद होती है किसी चीज की? मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। नफरत हो गई है इस नाम से मुझे, मोहब्बत। तो फिर तुम लव स्टोरी क्यों देख रहे हो? तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? न दिन को चैन न रात को आराम। किस उल्लू के पट्टे ने तुमसे कहा था मोहब्बत करने को? उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम हम लोगों को तो चैन आएगा। मेरी जान, मैं शादी तो अभी इसी वक्त कर लूँ। शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, वो कहाँ से लाऊं? हाँ तो ये पहले सोच रहा था। मोहब्बत अंधी होती है। यार बकवास बंद करो, इस अंधी लंगड़ी लूली मोहब्बत को अब मेरे सामने नहीं दोहराना, समझा? हर वक्त जब मैं टीवी देखने बैठता हूँ तुम उसी वक्त क्यों बोलते हो यार? अब क्या हुआ, मोहब्बत खराब हो गई क्या? दर्द हो रहा है कहीं? नहीं यार, ठीक हूँ। ऐसे ही सोच रहा था कि उससे बात पक्की कर ही ली। मशवरा मांग रहा हूँ यार। फिर वही बात, जब भी मैं कोई टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ तो उस वक्त तुम। वक्त का एतबार नहीं मुझे। तुमने उसके घर वालों से पूछ लिया? क्या जरूरत है, बात पक्की कर लूंगा। तो क्या ऐसे ही रिश्ता ले जाएंगे? अरे 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 अरे, अरे!
पार्टी का स्पेशल इवेंट स्कैवेंजर्स हंट है। आज जो ख्वातीन हजरात इस पार्टी में हिस्सा ले रहे हैं उनके नाम एक बास्केट में पर्चियों पर लिखकर जमा कर दिए गए। देखिए किसकी किस्मत किसके साथ निकलती है। मिस्टर आनंद, मिस्टर शर्मा, मिस्टर महमूद, रुखसाना कुरैशी, नताशा, मिस्टर मंसूर, आप दोनों ने एक घंटे के अंदर बायरन की नज़मों का मजमूआ, कास्नी रंग के फूलों का गुलदस्ता और सात मुख्तलिफ रंगों की सीढ़ियां लेकर आना है। तुम इनकार कर दो। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम इनकार कर दो, तुम कह दो कि तुम इस खेल में शरीक ही नहीं थी। हमें तुम ही कमाल करते हो। चलिए अब चलते हैं। आपने कभी कोई खेल नहीं खेला? जी खेला है। देखिए पछतावे कमजोरी के निशानी होते हैं और कम से कम आप मुझे कमजोर लड़की नहीं लगती। खेल में शामिल होने का हक आपको है, यह आपको पहले फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन एक बार अगर आप शामिल हो जाएं तो फिर आप शामिल रहें। हार और जीत एक अलग बात है। मुझे खेलों से दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं कोई खेल खेलता हूं। लेकिन जब इनमें हिस्सा लेना पड़े तो खेल को कम से कम खेल की तरह खेलना चाहिए, बोझ की तरह नहीं। I'm sorry, अब मैं आपको बोर नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। इन खेलों के लिए मेरी ये उम्र नहीं है, लेकिन क्या हर्ज है अगर दो चार साल आदमी ऊपर नीचे कर दे। मेरा ख्याल है पहले सीपियाना ढूंढ ली जाए। आपने कितनी सीपियां जमा की? जी मुझसे कुछ कहा आपने? जी हाँ, मैंने मुख्तलिफ रंगों की चार ढूंढी हैं। आपको मिली कोई? मैंने ढूंढी थी और शायद मिल भी गई थी, पर न जाने कैसे खो गई। क्यों? ये सीपियां जो साहिले समंदर पर बहुत खूबसूरत और रंगदार लगती हैं, इन्हें अगर घर ले जाओ तो बेरंग पत्थर से लगते हैं। शायद इसी वजह से मैंने कहा।
आप हर बात को इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं? मिस्टीरियस बनने की कोशिश करते हैं ना? शायद इसीलिए कि कोई मुझे जान सके, पहचान सके, इसीलिए ऐसी बातें करता हूं। आपको समंदर कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी लहरों में मुझे खुशी के सुर मिलते हैं। जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है। आप हर बात को इतने गमज़दा क्यों बना देते हैं? ये लहरें जो एक लम्हे के लिए साहिल समंदर पर खुशियां लेकर आती हैं, न जाने अपने साथ कितने गम ले जाती हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपने कभी साहिल पे खड़े होकर इन लहरों को देखा है? ये हर बार खुशियों की तरफ ही तो लौट के आती हैं। तो फिर वापस क्यों चली जाती हैं? हेलो, हेलो आमिर। हेलो। मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मुझे पार्टी में लेके कौन गया था? मैं अपने लिए लेकर गया था, इसलिए नहीं कि तुम किसी और के साथ चली जाओ। अब बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम मुझे बच्चा कहो या पागल, I'm very jealous about you। बुरी बात है। अच्छी बुरी मैं नहीं जानता। दुनिया में सिर्फ तुम और मैं नहीं रहते। मेरी दुनिया में सिर्फ तुम और मैं रहते हैं, समझी? God, you're so immature। Thank you very much। हेलो, हेलो आमिर। मुश्किल ये है कि वो सारे इंतजाम कर चुके हैं और दावत भी सिर्फ हमारी खातिर कर रहे हैं। अब मना करना कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन ये तो मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। नाशी, मैंने सोचा है तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। मैं क्यों? नाशी, बस एक दो घंटे के लिए चली जाना और खाने के बाद माजरत करके वापस चली आना। वैसे वो रोकेंगे भी नहीं। हाँ हाँ, बहुत शरीफ आदमी है वो। अरे वाह, मैं अकेली क्या करूंगी? ऐसी क्या बात है, जाहिर है वहाँ और लोग भी होंगे। लेकिन मैं बोर हो जाऊंगी। अरे भाई, मंसूर तुम्हें बोर नहीं होने देगा, बहुत दिलचस्प बातें करता है वो। मगर भाईजान। कम ऑन नाशी, डोंट बी सो कंजर्वेटिव। वैसे भी वो बड़ा अच्छा इंसान है। बाकी लोग नहीं आए? एक आपके भाई साहब ने आना था, उन्होंने माजरत कर दी और ये भी बताया कि आप आ रही हैं। सोचा आप ही को सैर करा लूं। बोट तो आप चला रहे हैं, टोपी नहीं पहनते? चलिए पहन लेते हैं। Not bad. आप क्यों नहीं पहन लेते? नहीं। बहुत प्यारा है, बिल्कुल छोटा सा घर है। जी हाँ, है। जब दुनिया के शोरगुल से घबरा जाता हूँ तो इस छोटे से घरौंदे को समंदर में उतार देता हूँ। बैठिए। आप भूले नहीं वो बात अभी? जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। दरअसल तन्हाई में मैं अपने आप से ज्यादा आसानी से बातें कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ओ, आप कुछ पियेंगे? ठंडा? ऑलराइट।
मैंने आज भी आपको उस दिन की तरह परेशान तो नहीं किया अपनी बातों से। जी नहीं, चलिए ऊपर चलते। चलिए। आपको समंदर अच्छा लगता है? जी हाँ। क्यों? समंदर में एक अनजानी सी और पुरस्रार कशिश होती है, इंसान बेख्तियार तौर पर उसकी तरफ खींचता चला जाता है। मेरा अगर कभी मरने को जी चाहा, जो अक्सर चाहता है, तो समंदर में उतर जाऊंगा। कितनी ठंडी और पुरसुकून मौत होगी। नजर आ रहा? बहुत खूबसूरत मंजर है, आप भी देखिए ना। आपको भी नजर आया? मेरा ख्याल है देर हो रही, चले। आपको कोई चोट तो नहीं आई?
दरअसल आपके कपड़े भीगे थे, कुछ को गए, पहन लीजिए। चलिए जाने की क्या जरूरत थी? मैं अखलाकन गई थी, जरूरत तो नहीं। क्या जरूरत थी किसी गैर आदमी के साथ इतना अखलाक बरतने की? बद अखलाकी की भी कोई जरूरत नहीं थी। स्टॉप इट नाउ, उसकी तरफदारी मत करो। मैं किसी की कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ, और प्लीज आमिर मुझसे इस तरह बात मत करो। आशीष, प्लीज, आई एम सॉरी, तुम खफा हो, लेकिन नाशी ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी तरफ देखे, कोई तुम्हें अपने साथ ले जाए। एंड स्पेशली आई जस्ट कांट स्टैंड दैट मैन मंसूर। आमिर प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। नाशी, आदाब। आदाब। कैसी हैं आप? दरअसल मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था, वो मैं उस दिन बोर्ड पर भी कह सकता था, लेकिन कुछ तो मेरी हालत खराब थी और कुछ आप भी खौफजदा थी। मैं खौफजदा नहीं थी। एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं। कहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो कुछ समझते हैं वो असलियत नहीं होती। हम लोगों के खलूस को अपने हवाले से मशकूक कर देते हैं। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। आप समझ गई हैं, बल्कि जो कुछ आपको नहीं समझना चाहिए था आप वो भी समझकर अपने आप को परेशान कर रही हैं, कतरा रही हैं, बल्कि शायद खौफजदा भी हैं। मुझे इजाजत दीजिए। आप घर जा रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जी अभी मुझे कुछ खरीदारी करनी है, खुदा हाफिज। सुनिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं, प्लीज। क्या वाकई आप मुझसे खौफजदा हैं? जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ना मैं खौफजदा हूं और ना परेशान हूं, और अगर खतरा भी नहीं हूं तो उसकी वो वजह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नहीं, इसकी वजह मैं जानता हूं, लेकिन जब किसी की जान बचाने का सवाल होता है ना, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। आपने मुझे फोन भी नहीं किया। इस वाकये को एक हफ्ते से ज्यादा हो गए। क्या मैं बुरा आदमी लगता हूं आपको? इतना बुरा जितना आप समझती हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अगर आप वाकई मुझसे खौफजदा नहीं हैं, कतरा नहीं रही, तो आइए घर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। वहां मैं आपको अच्छी सी चाय पेश करूंगा। अब आप यकीनन कोई बहाना बनाएंगे।
जी नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। चलिए। लकड़ी और पत्थर की बनाई हुई इमारतें घर नहीं होती। फिर क्या होती हैं? बनाता है। आई। तब तो आपने अपनी बनागाह को बड़ी खूबसूरती से सजा रखा है। जा बैठिए। अंधेरे अगर ज्यादा हो तो ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है। आपने देखा नहीं इस जगह पर रोशनियों की कितनी बहुतात है। वैसे मुझे मौसीकी से भी लगाव है। इसलिए कि मैं आवाजें सुनना चाहता हूं, बहुत सी आवाजें। क्योंकि कोई भी आवाज सन्नाटे की आवाज से ज्यादा बेहतर होती है। ये आपने यहां से खरीदा? या लेकिन ये सारी बातें आप नहीं समझ सकती, इसलिए कि आप तो घर में रहती हैं ना। आपको पनागाह की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि जिंदगी के पथराव से बचने के लिए पनागाहें बहुत जरूरी होती हैं। वैसे भी इंसान सरेआम तो नहीं रो सकता, किसी न किसी कोने में छुप के रोया जा सकता है, इसीलिए पनागाहें बहुत जरूरी होती हैं, घरों से भी ज्यादा। आपकी जगह मैं ऐसी फजूल बातें अक्सर किया करता हूं। लीजिए चाय आगे। बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती है, बहुत खूबसूरत लोग मेरे इर्द गिर्द मन लाते हैं। जिंदगी की हर आसाइश मुझे मयसर है, यहां तक कि मेरे पास अब मांगने के लिए कोई दुआ भी नहीं रह गई। उसके बावजूद मुझे महसूस होता है कि मैं तन्हा हूं, हर वक्त खौफजदा रहता हूं, हर बात पे डर जाता हूं और हर इंसान पर शक करने लगता हूं। और बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि आज तक ये सारी बातें मैंने कभी किसी को नहीं बताई। खुद अपने सामने भी आज पहली मरतबा इकरार कर रहा हूं। आपकी मौजूदगी भी बड़ी अजीब तरह से असरअंदाज होती है इंसान पर, जैसे बाज खुशबुओं का असर होता है, बरसात का असर होता है।
चांदनी रातों का असर होता है। अब भी बिल्कुल उसी तरह बैर महसूस तौर पर इंसान की शख्सियत की गहरें खोल देती हैं, एक एक करके चेहरों के सारे नकाब उतार देती हैं। ये अच्छा नहीं करती आप, इसलिए कि चांदनी रातों में कोई पागल भी हो सकता है, कोई समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी भी कर सकता है। बहुत देर हो गई है, आइए मैं आपको छोड़ा। अबे क्या कर रहा है? कौन है, दिमाग खराब हो गया क्या? क्या हुआ है? अम्मी का खत आया। अच्छा, उन्होंने रिश्ते की इजाजत दे दी और एक महीने के बाद वो खुद यहां पर आ रही है। अरे क्या कर रहा है यार, मुझे मार देगा तेरा शिवाला कौन बनेगा? सुन, तू यहां पर बैठ, मैं तेरा नाशी को फोन करके आता हूं। किसका फोन था पापा? डॉक्टर आसिफ का। क्या कह रहे थे? तुम्हारे भाईजान का पूछ रहे थे, कह रहे थे बाकायदा रिश्ता लेकर आऊंगा दो चार दिन में, आमिर की अम्मी भी आने वाली है। जी जनाब। कब आ रहे मुलू? मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कह दिया जब जी चाहे आ जाइएगा। खैर ये तो रस्मी बातें हैं, बात तो वैसे तय हो ही चुकी है ना। पापा आप अभी उन्हें रोक दीजिए कुछ दिन। क्यों? प्लीज आपा, मैं फैसला करने से पहले सोचना चाहती हूँ। क्या मतलब है नाशी, फैसला तो तुम कर ही चुकी हो। नहीं वो नहीं, मैंने अभी फैसला नहीं किया, आप कुछ दिन उनको रोक दीजिए प्लीज आपा। नाशी आमिर का कई बार फोन आ चुका है, तुम उसे फोन कर लो ना। कर लूंगी अब। हेलो। हाँ 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 जी है, अभी बुलाती हूँ। नाशी नाशी तुम्हारा फोन है। अगर आमिर का है तो कहीं मैं सो गई। मंसूर का है। हेलो। हेलो नाशी, नाशी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ से नफरत सी हो जाती है। शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपने तो कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कहा था ना कि तुम बहुत अजीब तरह से लोगों के चेहरों के नकाब उतार देती हो। तुमने जो चेहरा देखा है वो अगर इतना ही बदनुमा है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दूसरों का है। एनीवे आई एम सॉरी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपनी
नताशा, मैं इन सारे जज्बों को अपने पास रखना चाहता हूं जो मुझे तुम्हारी वजह से मिले हैं।
अच्छा बस समझो कि मकान तैयार हो गया, प्लॉट मैंने खरीद लिया और नक्शा भी मैंने तैयार कर लिया, कमरों का रंग मैंने सोच लिया है और वो भी मैं खुद ही बनवाऊंगा। खाना खाओ यार। ये रहा ड्राइंग रूम का फर्नीचर और ये बेडरूम का। या तुम मेरे मकान में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, बहुत बुरी बात है। तुमने नाशी से पूछ लिया, बात कर लिया उससे? नाशी से क्या बात करनी है, सब कुछ तो तय है। बेवकूफी की बातें मत करो, उसके घर वालों से, बल्कि पहले खुद नाशी से एक बार फिर पूछ लो, उसके बाद ये ख्वाब देखना। क्या बात, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे, एक पते की बात बता रहा हूँ। ए भाई क्या तकलीफ है तुम्हें, डॉक्टर को बुलाओ। कोई तकलीफ नहीं है मुझे, मैंने इस दुनिया में बड़े चक्कर देखे, लोग चुटकी बजाते बदल जाते हैं। बहुत खफा हो, कौन बदल गया मुझे तो बताया भी नहीं। आमिर कोई कदम उठाने से पहले तुम एक बार फिर अच्छी तरह नाशी से पूछ लो, संजीदगी से, ऊट पटांग तरीके से मत पूछना, जिंदगी का सवाल है, खेल नहीं है। क्या बात है, कोई बात हो गई है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं तो कह रहा हूं अगर कोई बात है तो वो क्लियर होनी चाहिए। तुम तो बड़ी बूढ़ियों की तरह दूर अंदेशों में मुब्तला रहते हो। तुम मेरी और नाशी की फिक्र मत करो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हमारे लिए काफी है। तुमने मुझे बुलाया था, बैठ जाओ। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं यकीन करना नहीं चाहता, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ कहो। Should I spell it for you, or you are going to say something? No. I think you're wrong. No, you are lying. Please. I could kick you, but I won't, because you are the mother of my son.
आपको मोहब्बत का एतबार है? हाँ है। कभी मत करना। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत इस दुनिया का सबसे बड़ा और खुल्लम खुल्ला धोखा है। ऐसे मत कहिए। सॉरी, मैं अपने बारे में कह रहा था। अपने बारे में भी मत कहिए। आपने कभी मोहब्बत की है? मोहब्बत तो हम जिंदगी में कदम कदम भी करते हैं। कभी किसी इंसान से मोहब्बत की है? हाँ, इंसानों से भी की है। अगर की है तो मायूसी भी हुई होगी। नहीं, मायूसी तो नहीं हुई। फिर आप मोहब्बत का मतलब नहीं जानते हैं। जानते हैं? इसीलिए तो मुझे मोहब्बत से नफरत है। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत से ज्यादा खुदगर्ज और कोई जज्बा नहीं होता। मोहब्बत तो इंसान किसी से नहीं करता, किसी के लिए नहीं करता। मोहब्बत तो लोग अपने आप से करते हैं, अपने लिए करते हैं, बस। तब तो आप मोहब्बत के मानी नहीं जानते। मोहब्बत दूसरों के लिए की जाती है। मोहब्बत इंसान को बांध देती है, कैदी बना देती है। मैंने कहा ना, मोहब्बत दूसरों के लिए की जाती है, आपने लिए नहीं। I
सफर प्यार का एक सुहाना सफर है, हजारों है इसमें बहारों की रातें। जुबान जिनको कहते कभी ना थकेगी, हजारों है ऐसी वफाओं की बातें। ये बातें हो कितनी हसी खूबसूरत, कहीं डाल कर हम जो बाहों में बाहे, समंदर की लहरों में जैसी तड़प तड़पती है वैसे ये मेरी मुझे फोन नहीं किया, बस जरा बिजी थी। ओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। मैंने एक बात सुनी, क्या वो सच है? वो शख्स तुमसे फ्लर्ट कर रहा है। वो तुमसे फ्लर्ट नहीं कर सकता, सुना तुमने? वो शख्स मुझसे फ्लर्ट नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहा है? इश्क कर रहा है? नाशिद, तुम उसे मुझसे ज्यादा नहीं जानती। वो मुझसे इश्क भी नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहा है? मुझे नहीं मालूम।
जहन्नुम में जाएगा, मुझे उसे कोई गर्ज नहीं। हम बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। आई लव यू नाशी। प्लीज आमिर, शादी की बात मत करो, और मोहब्बत की बात भी मत करो। नाशी, अगर तुमने मुझे छोड़कर उस आदमी से शादी की तो अच्छा नहीं होगा, न वो रहेगा न तुम रहोगी और न मैं रहूंगा। सुना तुमने? सुना? हाँ सुन लिया। मैंने तुमसे कहा ना आमिर, न वो मुझसे शादी करेगा न मैं उससे शादी करूंगी। Do you understand? Do you? नाशी का मंसूर के साथ ये बेमकसद मेल जोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो आपके मूड का भी कुछ पता नहीं चलता, आपने खुद ही तो कहा था उसे जाने के लिए। तो इसलिए कहा था कि उसका भला हो, इसलिए नहीं कि सारे शहर में उसके साथ घूमती फिरे और हमें बदनाम करे। वैसे उसने अभी शादी के बारे में कोई फैसला नहीं किया। मंसूर भला आदमी है, दुनिया के कई मुल्कों में उसका कारोबार फैला हुआ है, वो उसे हर किस्म की आसाइश मुहैया कर सकता है। आखिर ऐसे जल्दी भी क्या है? जल्दी मुझे नहीं तुम्हें होनी चाहिए। और देखो, अगर वो कोई फैसला नहीं कर सकती तो उसे कहो ये खेल बंद कर दे। मैं नहीं चाहता कि ये बात उससे मैं कहूं। आप नाशी को नहीं जानते, वो बहुत लिबरल है और अपनी मर्जी की मालिक भी। इस घर की हद तक ना वो लिबरल है ना मर्जी की मालिक। मैं नहीं चाहता कि इन बातों से तुम्हारे और मेरे दरमियान इख्तलाफ पैदा हो। मुझे ताना देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो आप पे बोझ है तो मैं उसे वापस भेज देती हूँ। नाशी का पीछा छोड़ दो। मैं समझता हूं तुम भी समझ जाओगे। नाशी क्या कर रही हो? ऐसे ही। मुझे एक बात करनी है। क्या बात? अब नाशी, मंसूर साहब से तुम्हारी इस कदर बेतकल्लुफी कुछ ठीक नहीं, लोग इसे अच्छी नजरों से नहीं देखते। लोगों का छोड़िए आपा, लोगों ने कभी किसी को अच्छा कहा भी है? तुम्हारे भाईजान भी उसे अच्छा नहीं समझते। अच्छा अच्छा एक बात बताओ नाशी, मंसूर साहब तुम्हें कैसे लगते हैं? He's a nice man. तो तुम उनसे शादी कर लो। शादी? नहीं आपा,
He's a good friend. लेकिन फिर भी नाशी, तुम्हारा इस तरह मिलना जुलना बदनामी का बायस बन सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि दरअसल जो तुम मेरे और शीला के बारे में समझ रहे हो वो ठीक नहीं है। वैसे शीला मेरे पास तुम्हारी वजह से आई थी, वो बहुत परेशान थी। Hi, what are you doing here? Is something wrong? It's easy to give somebody a shoulder, Sheila. It's worse when you take it away. It's not all right. I don't know. Something has gone wrong. I don't know. I say it happens. You'll probably ask me why. And I don't have the answer. But it happens. Strange. I never thought that I would come to you. It's all right, Sheila. We all look for sanctuary sometimes. We all run. Sometimes. I don't know what to do. Stop running. Stop running, Sheila. Stop running from yourself. तुम्हें यहाँ मैंने अपनी पुरानी दोस्ती के नाते बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। वैसे मंसूर, ना तुम पहले किसी के दोस्त थे और ना बाद में रहोगे। अंधेरों में क्यों बैठे हो? रोशनी करो ताकि तुम्हारे चेहरे की स्याही तुम्हें खुद भी नजर आ सके। नजरों का असर नहीं होगा। मैं औरत नहीं हूं जो पिघल जाऊं तुम्हारी नजरों से। आखिर तुम उससे चाहते क्या हो? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं पूछता हूं, आखिर तुम उससे चाहते क्या हो? तुम उससे चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। हेलो नाशी, तुम यहाँ ऑफिस आ जाओ। अभी? हाँ अभी। क्यों, कोई खास बात है? नहीं, बस तुम आ जाओ। अच्छा, आ रही। ओके।
तुम्हें मन से मोहब्बत है? कितनी बार पूछेंगे? यकीन करना चाहता हूं। यकीन नहीं आता। नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। सिर्फ इतना जानता हूं कि यकीन नहीं है, करना चाहता हूं मगर कर नहीं सकता। नाशी, तुम मेरे पास चली जाओ और फिर कभी मेरे करीब नहीं आना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं बर्बाद कर देता हूं। मेरे बड़े लोग दुश्मन थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। मिस्टर नासिर, I want this country. मुझे कांट्री हर हालत में चाहिए। सर, जब तक मंसूर है ऐसा नहीं हो सकता। ओह मंसूर, 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 I am fed up of this man. Do something. इसका एक ही तरीका है सर। तो वो तरीका इस्तेमाल करें आप। How much would it cost? About $10,000, sir. $10,000. Do it. मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही थी। I'm going away, Mansoor. Don't be surprised. I won't leave you forever because you are the father of my son. I'm not surprised. But why not? Because I have to find myself. And maybe when I do, then maybe I'll be back. Remember, it's your decision. All the best. Thank you.
आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके पास। नाशी, मेरा ख्याल है तुम आमिर से शादी कर लो, वो लड़का तुम्हें चाहता भी है। और आप नहीं चाहते मुझे? मेरे पास खूबसूरत लम्हे हैं, मैं इन्हें बंधन में बांध के जाया नहीं करना चाहता। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, हम शादी कर लेते हैं। मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता, शादी तो एक बोझ है। आप चाहते हैं ना मुझे, मुझसे प्यार करते हैं ना, करते हैं ना? नहीं। You love me, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम प्यार करते हो मुझसे, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, करते हो, झूठ बोलते हो। तुम जैसी बहुत औरतें देखी मैंने, I'm sorry. गंदे आदमी हो तुम, कुत्ते हो तुम, ज़लील हो, गेट हो तुम। I hate you. चुप हो जा। You're an emotional parasite. तुम चाहते हो हर शख्स अपनी रूह को मुर्दा कर दे और तुम गिद्ध की तरह उसको नोच नोच के खा जाओ। तुम लम्हों की बात करते हो, मैं बताती हूँ तुम्हें लम्हे क्या होते। सब लम्हों में एक ऐसा लम्हा आता है जब इंसान की असली शक्ल सामने आ जाती है। तुम्हारी असली शक्ल मैंने देख ली है। You have just used me. You used me. I thought I loved you. My God. गिद्ध, मैं गिद्ध हूं इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं, मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत की है, मोहब्बत, और उसे मैं अपने पास रखना चाहता था। नहीं, नहीं, मैंने अब किसी से मोहब्बत नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं करती, किसी से मोहब्बत नहीं करती, मैंने किसी से मोहब्बत नहीं करती।
Oh.